कुमार कुणाल का रुख कर लेते हैं, वो इस वक्त इस ट्रैक्टर रैली में किसानों के साथ मौजूद हैं। कुणाल, ओवर टू यू, क्या अभी हो रहा है, किस स्तर पर प्रदर्शन अभी पहुंचा है? देखिए NH9 पर इस समय हम आपको ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरी ट्रैक्टर रैली जिसके साथ हम देख चल रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं नरेश टिकैत खुद ड्राइव कर रहे हैं ट्रैक्टर को और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपको NH9 से जो कि इस समय डासना की तरफ बढ़ रही है और डासना से KMP के ऊपर जाएगी, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर। और हम सबसे आगे जहाँ पर राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है ये साफ तौर पर बता रही है कि कल बातचीत है और आज एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है किसानों का, ये दिखाने के लिए सरकार को कि किस तरीके से एक है। और तिरंगा आपको हर जगह दिखाई पड़ रहा होगा मीनाक्षी, कि किस तरीके से तमाम गाड़ियां ट्रैक्टर जो है उन पर तिरंगे लगे हुए हैं। और जब हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत से तो उनका यही कहना था कि ये जो है ये जो रैली है ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड है तब 50,000 झंडों का इन लोगों ने ऑर्डर दिया है, 50,000 गाड़ियों को ये इसी तरीके से सड़क पर गणतंत्र दिवस के दिन निकालेंगे। तो ये एक तरीके से उसका ड्रेस रिहर्सल है आज की रैली और इस तरीके से सड़कों पर निकलेगी रैली। तो ये किसानों का एक तरीके से उद्घोष कि हम साथ हैं, अलग अलग बॉर्डरों से हम चल रहे हैं और इसी तरीके से होकर के जो ये जो कि पिछले 42 दिनों से चल रहा है ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो ये कहीं से भी न हमारी गाड़ी रुक रही है न ट्रैक्टर रुक रहा है, हम भी तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ साथ आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रैक्टर रैली जो कि अपने आप में सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी जो रैलियां हमने देखी हैं उनमें से एक ये रैली जरूर नजर आ रही है। अलग अलग गाड़ियों पर अलग अलग स्थानों से एक साथ कूच करते हुए एकता दिखाते हुए कि आखिरकार ये किसानों का आंदोलन है वो इस तरीके से रुकने वाला नहीं है। जो इनकी डिमांड है कि 3 कानूनों को वापस लेना है, MSP पर कानून बनाना है, उसको सीधे सीधे इसको बुलंद करते हुए ये कुणाल देखिए मांगे तो किसान लगातार अपनी उस पर डटे ही हुए हैं। लेकिन आज जो ये ट्रैक्टर रैली हो रही है कुणाल, ये भी बताइए कि ट्रैफिक पर भी इससे असर पड़ रहा है? आम जो व्यवस्था यातायात की इस दौरान रहती है वो सुचारू रूप से? देखिए हम आपको दिखाएंगे दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली की वजह से जो बीच का लेन है NH9 का वो पूरी तरह ट्रैक्टर रैली पर है और जो दूसरी तरफ का की सड़क है जो उस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। मेरी जो बात हुई मीनाक्षी यहाँ के SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह से, उनका ये कहना है कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी क्योंकि ये ट्रैक्टर रैली पहले से ही इन लोगों ने प्लान की थी, तो उसके बाद हमने ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया है। अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस कर्मी है वो भी तैनात किए गए हैं ताकि आप SP सिटी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कुणाल, जो बातचीत आपने की है वो अपने दर्शकों को सुनवा भी देते हैं, साथ ही आपके पास लौटेंगे इन लाइव तस्वीरों के लिए भी। हम एक बार सुन लेते हैं SP सिटी ने ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर क्या बताया। सिंह हमारे साथ है, ज्ञानेंद्र जी क्या कुछ आपकी तैयारी है प्रशासन की? ये तैयारी पूरी है ट्रैक्टर रैली को लेकर के, जहाँ पे हाईवे पे जहाँ जहाँ कट है हर जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं और जो इनकी रैली निकल रही है उसमें भी जगह जगह ड्यूटियां लगाई हैं जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। खासतौर पर चूंकि KMP एक मुख्य सड़क है जोड़ने की, यहाँ से डासना जाएंगे और डासना से फिर KMP पे चलेंगे, तो क्या आज लगता है ट्रैफिक को लेकर के भी कोई अवरोध होगा, किस तरीके की तैयारी उसको लेकर? नहीं, प्रत्येक जगह जैसा जहाँ पे ऐसी कोई संभावना है वहाँ पे डाइवर्जन लगाया गया। और कितने तादाद में, क्या आप लोगों को किसान नेताओं ने बताया कितनी तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे और किस तरीके से उनको ले जाने का प्रबंध है? ये 150-200 के बीच में बता रहे हैं ट्रैक्टर जाएगा। तो इनका कार्यक्रम 11 बजे 12 बजे क्या है, आपको क्या सूचित किया गया, क्योंकि अभी से 9 बज रहे हैं ट्रैक्टर सड़कों? नहीं, 11 बजे से डासना से है इनका प्रोग्राम, तभी UP गेट से लोग जाएंगे डासना से फिर आगे निकलेंगे। तो आगे अगर हम कहें कि अभी तक तो पूरा शांतिपूर्वक रहा है प्रदर्शन भी, आगे आपको आपने यहाँ गाजीपुर पर भी पूरे इंतजाम किए हुए हैं, आगे के लिए जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है किसानों की उसको लेकर के क्या इंतजाम आपके पास? नहीं, आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा।